सो हे फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक नहीं दो नहीं पूरा का पूरा 10+ न्यू व्हाट्सएप ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो जून मंथ का है। एंड हाँ, ये ऐसे वैसे व्हाट्सएप ट्रिक नहीं है कि कैसे नोटिफिकेशन ऑन करोगे, कैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे या फिर ऐसे वैसे नहीं है, बिल्कुल तगड़े लेवल का है एंड आपकी डेली लाइफ में ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड, ट्रिक नंबर वन, इसके लिए क्या होता है ना, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे जिनका मैसेज आप सीन करना नहीं चाहते होगे, मतलब पढ़ना चाहते होगे लेकिन ये नहीं चाहते कि वो ब्लू टिक हो जाए और उसको पता चले कि आपने उसे पढ़ा है। तो वो कैसे करोगे? तो अगर सिंगल मैसेज आया होगा तो आपको चैट पेज में दिख जाएगा क्या मैसेज क्या है, अगर लॉन्ग मैसेज होगा तो नहीं दिखेगा। एंड हाँ, अगर आपको मल्टीपल मैसेज क्या होगा, 5-6 मैसेज क्या होता, तो कैसे देखोगे? तो इसके लिए एक न्यू अपडेट आ गया है व्हाट्सएप में, तो इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा। सो अभी हम डायरेक्ट व्हाट्सएप में चलते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हो मेरा एक मैसेज आया है अलग सी व्हाट्सएप से, अलग थी कर दो, मतलब 3 मैसेज आया है तो सबसे जो लास्ट मैसेज है वो मुझे दिखा रहा है, तो बाकी का मैसेज मैं कैसे देख सकता हूँ? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्च बटन पे जाना पड़ेगा, यहाँ पर उसका नाम टाइप करना पड़ेगा। इसका नाम टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे देखना पड़ेगा, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे कर दो लिखा है, उसके बाद अगर ट्रिक अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, यहाँ पर हाय, तो उसने मुझे पहले हाय बोला, उसके बाद अगर ट्रिक अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो। यस फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दो। तो इस तरह से आप किसी के भी मैसेज को पढ़ सकते हो। मैं इसके अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते हो हाय, अगर ट्रिक अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो। तो इस तरह से ये चीज़ है। सो फ्रेंड, अभी आता है ट्रिक नंबर 2। सो बेसिकली क्या होता है ना, मान लो कि आपको किसी के साथ बात करना है लेकिन उसका चैट को हाइड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आर्चिव चैट कर सकते हो, इसको क्लिक करने से चैट आर्चिव हो जाता है। तो पहले ये होता था लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था ना, अगर आप उसको मैसेज कर दोगे, तो मैं अलग सा व्हाट्सअप है तो इससे मैं मैसेज करता हूँ उस वाले व्हाट्सअप को, फ्रेंड्स टेक, ओके। सो ये मिल गया मुझे, इसको भी मैंने अचीव किया था, तो मैं हाई किया, तो देखो मुझे पहली बात तो नोटिफिकेशन नहीं आया एंड दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे कहीं पे मुझे नहीं दिखता है। कहाँ पे दिखाता है मुझे, यहाँ पे बोलता है कि आर्चिव चार्ट एंड वन, मतलब ये बोल रहा है कि आपके आर्चिव चार्ट के लिस्ट के अंदर एक चार्ट आया है, तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर है वो चार्ट। तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये इसको कैसे आप ऑन करोगे, तो पहले से मैं भी ऑन नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हो, सेटिंग्स पे जाना है आपको, सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको चार्ट्स पे जाना है एंड यहाँ पे देख सकते हो मूव चार्ट विथ न्यू मैसेज, तो ये रीड लेटर चार्ट का है, मतलब वो आर्चिव वाला होता है, ओके। तो इसको आपको ऑफ करना है, अगर इसको ऑन कर दोगे तो आपको वो चीज़ नहीं शो करेगा, तो इसको ऑफ करके रखना है। तो मैंने ऑफ करके रखा है, तो अगर फिर से भी मैं मैसेज करूँगा यहाँ पे, कुछ भी मैसेज कर दूँ तो नहीं आएगा। देखो मैं क्या मैसेज कर रहा हूँ एंड अगर मैं यहाँ पे फिर से जाता हूँ तो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं दिखता लेकिन इसके अंदर दिखा रहा है, ओके। सो फ्रेंड, ट्रिक नंबर 3। सो ट्रिक नंबर 3 क्या है, डिसअपीयरिंग मैसेज। बेसिकली क्या होता है, मान लो कि आप किसी के साथ बात कर रहे हो एंड आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा है, आप ये नहीं चाहते हो कि उनके साथ जो बात किया है आपने वो लॉन्ग टाइम के लिए सेव होकर आपके फोन में रहेगा, तो उसको आप डिसअपीयरिंग मैसेज में डाल सकते हो, जिससे क्या होगा ना, आपका जो मैसेज होगा वो 7 डेज के बाद डिसअपीयर हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर जाना है, दिखा देता हूँ, यहाँ पर नीचे डिसअपीयरिंग मैसेज पर जाना है, प्रोफाइल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ऑन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर लोगो आ जाएगा, सो यहाँ पर एक अलग सा लोगो आ जाएगा यहाँ पर एक टाइम का, तो इसका मतलब ये है कि ये 7 डेज के बाद इनमें जो भी चार्ट से वो डिसअपीयर होने वाला है, मतलब डिलीट होने वाला है। अभी आता है ट्रिक नंबर 4। सो फ्रेंड, ये वॉलपेपर का अपडेट है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जाके मैसेज में, हमें देख सकते हो यहाँ पर एक अलग सा वॉलपेपर है और ये चेंज है, तो ये इसको आप जाके यहाँ से चेंज कर सकते हो, लाइक वॉलपेपर में जाके आप ब्राइट मतलब कौन से भी थेम दे सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे थेम है एंड यहाँ पर भी बहुत सारे वॉलपेपर है जिसको आप दे सकते हो, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है। देखो यार, अगर मैं डार्क मोड को अभी ऑन करूँगा तो देख सकते हो ये मेरा चेंज हो गया, और फिर से अगर मैं डे मोड कर दिया तो फिर से लाइट वाला आ जाएगा, मतलब आपके पास दो ऑप्शन रहता है, डार्क वाला और लाइट वाला, लेकिन हाँ यहाँ से ये कभी भी ऑन नहीं होगा, मतलब यहाँ से अगर आप सेट करोगे नहीं होगा। इसके लिए आपको कैसे करना पड़ेगा ना, पहले तो देखो आपको पहले डार्क मोड, अभी मेरा ऑफ है तो मतलब ये डे मोड है,
तो पहले आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाकर चार्ट्स पे जाकर वॉलपेपर्स में, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट थीम वॉलपेपर। तो अभी आपको लाइट थीम वॉलपेपर क्या सेट करना है, तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, एक अच्छी वाला ये वाला लगा लेता हूँ। ओके अभी लाइट थीम हो गया। फिर से क्या करना है मुझे, डार्क मोड बना देना है। उसके बाद इसको ऑन करने के बाद फिर से मुझे जाना है वॉलपेपर में, यहाँ पे आप देख सकते हो डार्क थीम वॉलपेपर। तो यहाँ पर आपको चेंज करना है, मैं और अलग सा एक चेंज कर देता हूँ, जैसे ये वाला अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके हो गया। अगर अभी मैं जाऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं अगर इसको ऑन कर देता हूँ, ये अभी डे मोड हो गया और ये नाइट मोड भी हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वो ये है, अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो नहीं होगा। मतलब अगर यहाँ से मैं ब्राइट मोड अभी दे देता हूँ ये वाला, तो देखो इसको पहले आपको डिफॉल्ट करना पड़ेगा। इसको अगर मैं करूँगा अभी तो चेंज नहीं हुआ, वही सेम ही रहेगा, एक ही वॉलपेपर रहेगा। यहाँ से अगर चेंज करोगे इसको, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ से कर लेते हो और आप वो चीज़ चाहते हो, तो यहाँ पर आप क्या करना पड़ेगा ना, इसको कस्टम करना पड़ेगा। कस्टम कैसे करोगे, यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा इसको। रिमूव करने से जो उसका कस्टम होगा पहले से, तो वो रह जाएगा, मतलब ये वाला रहेगा फिर से, मतलब सारा का सारा जो चीज़ है वही चीज़ रह जाएगा, ऐसे काम करेगा। सो नाउ ट्रिक नंबर फाइव। तो बेसिकली आपको पता है और नोटिस किया है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो कॉल सेक्शन पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर एक वीडियो का ऑप्शन रहता है। बेसिकली ये क्या है ना, आप चाहोगे तो रूम क्रिएट कर सकते हो, वीडियो रूम क्रिएट कर सकते हो फेसबुक के हेल्प से, मैसेंजर के हेल्प से। तो यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ, तो इसको अगर मैं किसी भी सेंड करके लिंक, किसी को भी सेंड लिंक सेंड करके मैं किसी के साथ कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये चीज़ को भी आप ले सकते हो, अगर आपको कोई भी वीडियो कॉल वगैरह करना है या फिर कोई क्लासेस वगैरह करना है तो आप यहाँ पे काम में ले सकते हो। सो गाइस अभी आता है टिक नंबर सिक्स। मान लो कि आप अपने टाटस में कोई भी वीडियो देना चाहते हो, जैसे कि मैं एक वीडियो देना चाहता हूँ, ये वाला वीडियो मैं देना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो वॉल्यूम है ना ये नहीं सुनाई दे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, आपके फ्रेंड्स बगल में आप अगर हो गए तो बहुत ऐसा वार्ड होता है जो आप नहीं चाहते होंगे और किसी को सुनाए दो। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम वाला बटन मिलेगा, इसको आपको ऑफ कर देना है, मतलब म्यूट करके आप टाटस बिल्कुल दे सकते हो, यहाँ पर आपको कोई भी साउंड नहीं आएगा, देख सकते हो। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हो। सो ट्रिक नंबर सेवन। ये भी वही टाटस के रिलेटेड है। अगर फ्रेंड देखोगे तो मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड कोई भी इमेज, जैसे कि मेरा इमेज में सिलेक्ट, सॉरी, तो ये मेरा भांजी का इमेज है तो इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। तो सिलेक्ट किया, तो अगर आप ऐसे स्वाइप अप करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिलेगा, इसको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम में यूज़ करते हो उस तरह से यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। सो ट्रिक नंबर एट, व्हाट्सएप हैकिंग ट्रिक। सो फ्रेंड, अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं या फिर आपके कोई गर्लफ्रेंड है जो किसी के साथ ऑलवेज व्हाट्सएप में बात कर रहे हैं, एंड आप जानना चाहते हो कि वो किसी के साथ बात कर रहे हैं और क्या क्या बात कर रहे हैं। हाँ, मैं भी मालूम होगा किसी के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन क्या क्या बात कर रहे हैं वो मालूम नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ओनली 1 और 2 मिनट के लिए उनका व्हाट्सएप मतलब उनका फोन को लाना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, सिंपल सा, जिसका भी चैट पढ़ना चाहते हो वहां पर जाके मेनू पे जाना है एंड मोर पे जाके एक्सपोर्ट चैट कर देना है। यहाँ पर एक शेयर बटन आएगा, यहाँ पर आपको अपने नंबर पे शेयर कर देना है जो भी उसका एक्सपोर्ट हो गया होगा, तो इसको शेयर करने के बाद सेंड कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा मुझे क्रोम का ऑप्शन दिख रहा है, क्रोम पे अगर ओपन करूंगा तो मैं यहाँ पर सारा का सारा डिटेल्स में उनका मैसेज पढ़ सकता हूँ 1 to Z तक। सो अभी आता है ट्रिक नंबर नाइन। तो यहाँ पर स्टोरेज मैनेजमेंट, तो ये क्या है, इसके लिए सेटिंग पर जाना है। यहाँ पर आपको स्टोरेज पर मिल जाएगा, यहाँ पर मैनेजमेंट कर सकते हो। मैनेजमेंट मतलब आप किसको कितना मैसेज क्या है, क्या क्या पिक दिया है, वो सारा सारा डिलीट एंड उसको देख सकते हो, किसके पास कितने GB का MB का आपने डाटा शेयर किया है। सो दैट्स इट। सो अभी आता है ट्रिक नंबर 10। ये लास्ट ट्रिक नहीं है, इसका बोनस ट्रिक भी है। इसके लिए आपको सेटिंग्स पर जाना है, यहाँ पर आपको अकाउंट पर जाना है, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ वाला जो बटन है इसको आपको ऑन करना है। इससे क्या होगा, अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई भी किसी का भी नंबर चेंज होता है, कोई भी सिक्योरिटी चेंज होता है, या फिर आपकी जो व्हाट्सएप वेब होता है, दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर, आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर यहाँ पर ट्रिपल डॉट पर क्लिक करके व्हाट्सएप वेब पर चेक करना है। यहाँ से क्या होगा, ट्रिपल डॉट पर क्लिक करके व्हाट्सएप पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो जो आपकी व्हाट्सएप कहाँ कहाँ पर लग होगा, मतलब लॉग इन कहाँ पर होगा, तो उसके ऊपर भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज के लिए इतना।
सो इट्स टाइम टू वॉन अ स्टिक। सो इसमें क्या करना पड़ेगा ना, अगर आप जानना चाहते हो कि किसी दिनों के मतलब आप किसी के साथ बात करो उनके अगर आपके बीच में जो बात हो रहा है वो कितना इनक्रिप्शन है, कितना सिक्योर है, तो आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है, उनकी प्रोफाइल पर, उनके चैट की प्रोफाइल पर, और उनका फोन आना है एंड आपकी चैट को ऑन करके आपको इनक्रिप्शन पे जाना है एंड यहाँ से आपको स्कैन पर क्लिक करके आपके फोन के जो दूसरे फोन से भी आपकी स्कैन में थोड़ा को ऑन करके स्कैन करना है। अपने फोन से जब करोगे इसको आप ऑटोमेटिक जान जाओगे। मैं थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी ट्रिक अच्छा लगता है ना तो कमेंट में मुझे बताना ये ट्रिक मुझे अच्छा लगा और ये ट्रिक मुझे अच्छा नहीं लगा, या फिर आप पहले से जानते थे। यार रुको यार, कहाँ जा रहे हो, मतलब वीडियो देखा उसके बाद चले जाओगे? यार लाइक वगैरह करो, अगर अच्छा नहीं लगता डिसलाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो या डिसलाइक भी कर सकते हो, और मुझे कमेंट में सजेशन भी दे सकते हो कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा एंड क्या करने से मेरा कंटेंट अच्छा हो सकता है। सो आजकल इतना, नेक्स्ट टाइम और भी कमाल का ट्रिक्स लेके आऊंगा। सो टिल देन गुड बाय।